नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो ग्रोइंग कश्मीर। इस वक्त हम हायर सेकेंडरी में मौजूद है। अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने काफ़ी काम जो है अंजाम दिए है। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे हजात पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम इन्होंने इनेकाद किया है, जो कि स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए उन्होंने चैम्पियनशिप रखा था। तो मैं कहूँगा कि ये काम जो कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है। आज इन्होंने यहाँ हायर सेकेंडरी में एक टेबल टेनिस का प्रोग्राम रखा है। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे जोनल फिजिकल एजुकेशन अफसर मोहतरमा रिहाना आरा हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। इनसे हम जानेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। मैडम, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे ग्रोइंग कश्मीर में। तो अगर हम देखेंगे कि आपकी आपका डिपार्टमेंट जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पिछले महीनों से, अगर हम देखेंगे तो आज भी आपने यहाँ पे हायर सेकेंडरी में आके एक टेबल टेनिस बच्चों के लिए रखा, तो क्या कोशिशें रहेगी आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से? हमारी हम यहाँ पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मुंसलिक है फिजिकल एजुकेशन, हमारा काम ही यही है क्योंकि हम उसी से मुंसलिक है ये डिपार्टमेंट। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट का नाम अच्छा होगा, नाम रोशन होगा। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम मुख्तलिफ खेलों में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं। इस साल हमको 15,000 के तकरीबन 15,000 बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है। इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया है, पहले हमने चेस कैरम वगैरह से इनकार किया है, उसके बाद हमने फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है, स्पेशल एबल्ड पर्सन जिनको कहा जाता है, तो उनका हमने एक प्रोग्राम किया, उनको भी हमने मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट करवाया ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें, ताकि वो भी सोसाइटी का एक हिस्सा बन सके। तो और उनको उनका मुहिम और उनका मिशन वो भी हम आगे ले जा सकें। और इस वक्त हम डारसा हायर सेकेंडरी में है, हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो हैं मीन साहब, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने हमारे हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर ये प्लेटफार्म मुहैया किया और उनको बहुत वाकफियत है सपोर्टर्स के ओर से, और उन्होंने हमारे बच्चों को अप्रिशिएट किया और उनको बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। हमारा तो काम ही यही है क्योंकि हम डिपार्टमेंट के अफराद हैं, हमारा यही काम है। पहले एक दिन किसी एक्टिविटी में, दूसरे किसी, हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज साल भर को होती रहती हैं, लेकिन कमाल उस बंदे का है जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ मुझसे लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। उन्होंने हमें बहुत हौसला अफजाई की और हमें अच्छे से प्लेटफार्म यहाँ पर मुहैया किया। मैडम, अगर हम देखेंगे आज की यूथ जो है ज़्यादातर ड्रग की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से खासकर अगर इस फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे तो खाली वाहिद एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो बच्चों को अपनी तरफ रागिब करे, खेलों की तरफ रागिब करे, तो क्या कोशिशें रहेगी उन बच्चों के लिए, क्या मैसेज रहेगी जो गलत कामों में लगे हुए हैं, तो या आपकी डिपार्टमेंट क्या कोशिश कर रही है इस हवाले से? हमारी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा फ्रॉम एलिमेंट्री लेवल से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को फर्स्ट से लेकर हत्ता कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ में बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं उनको भी हम उनको चाहते हैं कि वो भी सपोर्ट से मुंसलिक। हम अपने टीचर से यही गुजारिश करते हैं कि आप एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि उनको बचपन से ही वो सपोर्ट्स के साथ बने रहें, सपोर्ट्स के साथ मुंसलिक रहें, सपोर्ट्स के साथ वाबस्ता, ताकि वो दूसरे तीसरे रास्तों की तरफ ना जाए। इस वक्त माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, बच्चे इवल्स की तरफ जा रहे हैं, बच्चे बहुत सारे मतलब ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहती है हमारी टीचर साहिबान की, हमारी डिपार्टमेंट की, हत्ता कि एजुकेशन की भी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि ये स्पोर्ट्स के साथ ही मुंसलिक रहें। और जो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जो फिज़िकल एजुकेशन है, ये ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल करता है क्योंकि ये बच्चे को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हेल्दी बनाता है, उसको बूस्ट करता है हर लिहाज से। इसीलिए हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर स्कूल में सब बच्चे हैं, सब के सब इन्वॉल्व होने चाहिए स्पोर्ट्स के, और हमारे जो जनरल एजुकेशन के टीचर साहिबा हैं उनसे भी हमारी यही इस्तदा है, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है उनसे कि वो भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ रगबत देने की कोशिश करें।